अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आंध्र प्रदेश स्टेट मशायर बोर्ड ने आज मदनपुरी डिवीज़न की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें रेजोल्यूशन ये पास किया गया कि यूपी के शिया बोर्ड के सदर वसीम रजवी ने जो 26 आयतों कुरान से तबादला का जो ख्याल रखा गया है, इसके बारे में मशवरा किया गया और इसमें रेजोल्यूशन पास ये किया गया है कि इससे पहले कई लोगों ने कुरान के ख़िलाफ़ सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। जो वसीम रजवी ने जो गुस्ताखी की है कुरान शरीफ के बारे में, जो कहा है जो तबादला करने के लिए क़यामत तक कोई इसको यह खुरफ तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, इसमें किसी तरह की भी कोई भी गलती नहीं है और अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत की जिम्मा लिया हुआ है। और हम ये तबादला ये ख्याल पेश करते हैं हुकूमत हिंदुस्तान से और तमाम कोर्टों से कि आप इस गुस्ताख वसीम रजवी को हिंदुस्तान से शहर बदर किया जाए, जिस तरह सलमान रश्दी को आपने शहर बदर किया, तड़ी पार किया और जिस तरह आपने तस्लीमा नसरीन को तड़ी पार किया, इसी तरह इस वसीम रजवी को भी तड़ी पार शहर बदर किया जाए। और तमाम मशायखीन और सादात इकराम इकट्ठा होकर आंध्र प्रदेश स्टेट मशायख बोर्ड हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालिबा करता है कि पहले अव्वल फुर्सत में वसीम रजवी को तड़ी पार किया जाए, शहर बदर किया जाए और जो हिंदुस्तान में अमन कायम है उस अमन कायम करने के लिए आप हमारी मदद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।